तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग वॉलेट का एक कमाल के एक नए अपडेट के बारे में, जिसके अंदर जिसको अपडेट करने के बाद आपको कमाल का एक फीचर मिलने वाला है, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी में मिलेगा और बहुत ही शानदार ये फीचर है। क्या ये फीचर है या कौन सी ऐप में अपडेट आया है, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग वॉलेट के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है वहां पर अपडेट्स वाले सेक्शन पे चले जाना है। तो अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे आप, नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग वॉलेट डिजिटल करके। ये नया है, ये क्या है, जो सैमसंग जो पे ऐप थी ना, उसका नाम चेंज करके यहाँ पर सैमसंग वॉलेट कर दिया गया है, या वॉलेट डिजिटल की कर दिया गया। ये एक नया अपडेट आया और बहुत ही शानदार है। डिजिटल की मतलब ये की के रूप में भी काम कर सकता है। ये अपडेट 10 सितंबर को लॉन्च किया गया है, मतलब दो तीन दिन पहले ही आया है। और इसका जो साइज है 18 MB का है। इसका वर्जन नंबर है 1.4 और 1.4 इसका वर्जन नंबर। आप इसका काम देखेंगे ना, ये फीचर काम कैसे करता है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे ये काम कैसे करता है। ये इसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये क्या काम करेगा। आप इसके अंदर NFC के थ्रू अपने कोई सी भी व्हीकल का या अपने डोर का कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं और डिजिटल की इसको बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आप अपने कार की या कार को अनलॉक, लॉक, डोर को लॉक, अनलॉक आप इसके थ्रू ही कर पाएंगे। इवन स्मार्टफोन बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको आपको एक बार पेयर कर लेना है। पेयर करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसमें दो अपडेट है, दोनों को आपको अपडेट कर लेना है। एक ये है और एक यहाँ पर इसका फ्रेमवर्क है। तो दोनों को आपको यहाँ पर कर लेना है अपडेट, और अपडेट करने के जब आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। मेरे पास तो भाई अभी कार नहीं है, तो मैं आपको पेयर करके बताता कि एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा। अगर आपके पास घर में कार है तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की वॉलेट वाली ऐप में चले जाना है। अपडेट करने के बाद वो फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करोगे तो ये सब मांगेगा। पर आपको वॉलेट में लॉग इन करने के बाद यहाँ पर क्यूक एक्सेस की जगह आपको ऑल पे चले जाना है। ऑल पे जाने के बाद आपको एक नया फीचर मिल रहा होगा अब डिजिटल की करके, जो कि पहले नहीं आता था, अभी ये रिसेंटली एड ऑन किया गया है। आप इसके अंदर अभी तीन चीजें ही दी गई हैं, अगर बोल सकते हैं तीन गाड़ियों के ही बारे में दिया गया है, BMW, मिनी और होंडाई की कार का। मतलब होंडाई की कार तो अधिकतर लोगों का होती होगी, तो होंडाई की कार को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, उसकी एक कनेक्टिंग ऐप को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। जो भी कार को आपको यहाँ पर एड ऑन करना है, उसकी कनेक्टिंग ऐप को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, उसकी एक स्पेशल जगह होती है, जैसे कि कार में अगर जब भी आप अपडेट करते हैं ना, सॉरी जब भी आप कार में देखेंगे ना, तो जो की है ना उसकी एक स्पेसिफाइड जगह होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, प्लेस योर फोन ऑन द फोन ट्रे। वहां पर एक फोन ट्रे बना होता है आपके कार के अंदर, आपको अपने फोन को वहां पर रखना है। उसके बाद वहां पर पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कर लेना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल से ही अपने कार को अनलॉक, लॉक, डोर को अनलॉक और अनलॉक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल का ये फीचर इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। साथ में इस ऐप का नाम भी चेंज कर दिया गया, सैमसंग वॉलेट डिजिटल की कर दिया गया। तो छोटा सा फीचर है, बट उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी कार कहीं भी भूल जाते हैं, या फिर सडनली उनको कार को डिजिटल अनलॉक करना है, तो आप इसीलिए यहाँ पर आप कर पाएंगे और बहुत ही क्विकली इसका यूज कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।